टी20 वर्ल्ड कप के लिए इंग्लैंड की टीम का ऐलान कर दिया गया है। जी हाँ, इन दिनों सिलसिला चल रहा है कुछ ऐसा कि सभी टीमें अपने धीरे धीरे करके वर्ल्ड कप के लिए टीमों का ऐलान कर रही हैं। कल भारतीय टीम का ऐलान किया गया। इससे पहले पाकिस्तान टीम ने अपना ऐलान किया था। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की टीमें पहले ही अपनी टीमें घोषित कर चुकी हैं। तो यहाँ प्रमुख बात यह है कि जो रूट जो कि उनके कप्तान हैं टेस्ट टीम के, उन्हें टी20 की टीम में जगह नहीं मिली। हालांकि उन्होंने बीच में बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने की शुरुआत की थी और आपने देखा भी होगा टेस्ट टीम में जब वो खेलने आते थे स्टांस लेने के साथ ही काफ़ी तेज बल्लेबाजी कर रहे थे। कहीं ना कहीं हो सकते हैं अपने मैच के अलावा वो सिलेक्टर्स को ये दिखाने की कोशिश भी कर रहे हों कि वो बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने का मादा रखते हैं, लेकिन सिलेक्टर्स ज़्यादा मुस्तैद रहे। उनको लगता है कि बाकी और खिलाड़ी उनसे ज़्यादा एक्टिव हैं, ज़्यादा टी20 के अनुकूल बल्लेबाजी करने में महारत उनको हासिल है, तो जो रूट को टीम में जगह नहीं मिली। इसके अलावा बेन स्टोक आप जानते ही हैं कि वो अपने कुछ मानसिक परेशानी की वजह से, अभी मानसिक थकान की वजह से टीम में नहीं है। एलेक्स हेल्स टीम में नहीं है। साकिब महमूद जो कि जिन्हें भविष्य का एक सितारा कहा जा रहा था तेज गेंदबाज के तौर पर, वो भी टीम में नहीं है, उनको टीम में जगह नहीं मिली है। तो अब टीम मैं आपको बता देता हूँ कि टीम क्या है। जैसन रॉय जैसा कि आप जानते हैं सलामी बल्लेबाज हैं और पाकिस्तान के खिलाफ पिछले ही मैच में उन्होंने 64 रन की पारी खेली थी और वो पारी की शुरुआत करेंगे और साथ में जोश बटलर होंगे। जी हाँ, इंडिया के खिलाफ, श्रीलंका के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ बहुत हाथ दिखाए हैं उन्होंने और भारत के खिलाफ तो 2 हाफ सेंचुरियाँ उन्होंने बनाई हैं और श्रीलंका और पाकिस्तान के खिलाफ भी पिछले दिनों उन्होंने एक एक हाफ सेंचुरी लगाकर अपनी बहुत ही धाकड़ फॉर्म का परिचय दिया। डेविड मलान दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी, नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए आपको दिखाई देंगे और नंबर 4 पर जॉनी बेस्टो होंगे, जिनसे फॉर्म थोड़ी सी हुई इन दिनों रूठी हुई है टी20 क्रिकेट की, कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। यॉन मॉर्गन बाएं हाथ के बल्लेबाज टीम के कप्तान होंगे, लेकिन इनकी फॉर्म तो जनाब की बहुत ही खराब चल रही है। पिछली 16 पारियां उठाकर देखें तो वहां पर एक भी पारी इनकी ऐसी नहीं है जो मैच जिताऊ पारी हो या इनके दम पर कोई मैच जिताया हो या ये कहिए कि संतोषजनक पारी इन्होंने खेली हो, एक भी ऐसी पारी हमें तो याद नहीं आती गई। इसके अलावा लियाम लिविंगस्टोन ऑलराउंडर हैं, लेकिन बैटिंग ऑलराउंडर हैं, बल्लेबाजी करते हैं बेसिकली और थोड़ी बहुत स्पिन बॉलिंग भी कर लेते हैं, लेग स्पिन भी डाल लेते हैं, ऑफ स्पिन भी डाल लेते हैं, दोनों तरह की गेंदबाजी करते हैं। सैम बिलिंग्स की वापसी हुई है। सैम बिलिंग्स जो है टीम के तीसरे विकेट कीपर हैं, यानी जोश बटलर भी कीपर हैं, जॉनी बेस्टो भी विकेट कीपिंग करते हैं और सैम बिलिंग्स भी विकेट कीपर हैं, बल्लेबाज हैं, अच्छी धाकड़ बल्लेबाजी करने का की कुव्वत रखते हैं। लेकिन सच कहा जाए तो 2019 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो इन्होंने 87 रन की पारी खेली थी उसके बाद से ये कोई भी बड़ी पारी नहीं खेल पाए हैं। तो ये एक उनका फ्लॉप शो चल रहा है काफ़ी लंबे समय से, यानी एयान मॉर्गन जो है उनके बल्लेबाज वो फॉर्म में नहीं चल रहे, सैम बिलिंग्स फॉर्म में नहीं चल रहे, तो फिर भैया कौन फॉर्म में चल रहा है? तो इसका मतलब है शीर्ष क्रम के जो बल्लेबाज हैं जेसन रॉय, जोश बटलर, डेविड मलान, इन पर टीम बहुत ज़्यादा निर्भर करेगी। और अगर हम स्पिन बॉलर्स देखें तो इस टीम में 2 स्पिन बॉलर हैं, मोइन अली और आदिल रशीद। मोइन अली ऑफ स्पिनर हैं और आदिल रशीद लेग स्पिनर हैं और इसमें मोइन अली ऑलराउंडर भी हैं, बल्लेबाजी की भी उनमें कुव्वत है। और 2015 का वर्ल्ड कप याद कीजिए जहां मोइन अली ने पारी की शुरुआत की थी बल्लेबाजी में। जी हाँ, ओपनर के तौर पर वो खेले थे वर्ल्ड कप। क्रिस जॉर्डन, तेज गेंदबाजों की बात करें तो क्रिस जॉर्डन के अलावा क्रिस वोक्स, डेविड विली, मार्क वुड, सैम करन और टाइमल मिल्स। आप कहेंगे भैया टाइमल मिल्स कौन है और आप शायद भूल रहे होंगे, मैं आपको याद दिला देता हूँ, 3 साल पहले ये खेलते थे इंग्लैंड की टीम में। उन्होंने वापसी की है, 5 टी20 मुकाबलों में कोई बहुत शानदार उनका औसत नहीं रहा, 43 रन का औसत रहा है, महज 3 विकेट उनको मिले हैं, इस खिलाड़ी की वापसी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि इंग्लैंड के पास उतना ज़्यादा टैलेंट आ नहीं रहा कि जो अच्छे रिप्लेसमेंट उनको मिल सकें। तो क्रिस वोक्स एक ऑलराउंडर हैं टीम के अंदर और इसके अलावा सैम करन हैं, मोइन अली हैं और थोड़े बहुत आप कहें तो लियाम लिविंगस्टोन को भी आप गिन सकते हैं एक बतौर ऑलराउंडर। तो ऑलराउंडर्स का क्रिकेट कहा जाता है टी20 क्रिकेट को, तो इस तरह से 4 ऑलराउंडर इस टीम में बने हुए हैं। टॉम करन जो है उनको टीम में बतौर स्टैंड बाई रखा गया है। लियाम डॉसन जो कि ऑलराउंडर हैं, बल्लेबाजी करते हैं, स्पिन लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग करते हैं, दाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं, वो भी स्टैंड बाई के तौर पर रहेंगे टीम। और साथ ही जेम्स विंस जो है वो भी जो कि मूलतः बल्लेबाज हैं वो भी स्टैंड बाई के तौर पर टीम में रखे गए हैं। तो अगर हम देखें तो इंग्लैंड की टीम जो 2010 में वर्ल्ड कप टी20 का जीती थी, एक मौके पर जीत चुकी है और उसके बाद
2016 जो पिछला वर्ल्ड कप था उसमें फाइनल में पहुंची थी। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो भारत के खिलाफ उस इस टीम को पराजय का सामना करना पड़ा। अगर हालिया परफॉर्मेंस हम देखें तो श्रीलंका को 3-0 से इस टीम ने हराया है और पाकिस्तान को 2-1 से हराया है, साउथ अफ्रीका को भी 3-0 से हराया है। तो यानी टीम काफ़ी T20 की बेजोड़ टीम मानी जाती है, बहुत अच्छी टीमों में इसकी गणना की जाती है। लेकिन अब कुछ खिलाड़ी अगर फॉर्म में नहीं है तो उनका फॉर्म में आना ही होगा अगर वर्ल्ड कप जीतना है तो। लेकिन ये टीम कुल मिलाकर जो चुनी गई है, रिप्लेसमेंट्स की इसमें काफ़ी कमी दिखाई दे रही है। जो रूट नहीं है टाइम, जैसे हमने आपको बताया साकिब महमूद इस टीम में नहीं है, बेन स्टोक्स की कमी इस टीम को काफ़ी महंगी साबित हो सकती है। आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में जाकर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार। Oh, 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 o